तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपस्टॉक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैसे आप एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं, मतलब कि 50 से 60 हज़ार रुपये महीना आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्टेप को मिस मत करिएगा अगर आपको अच्छी खासी अर्निंग करनी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कैसे आपको अपस्टॉक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सो गाइस, आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करके आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है। यहां पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉगिन और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो यहां पे आपको अपना न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। यहां पे आपका ये मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। सो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, और मेक श्योर कर लीजिए कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहीं से आप ऐप को डाउनलोड करो, तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल जाएंगे। ओटीपी के बाद यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का पिन बनाना है। पिन बना लीजिए, आपको जो भी आपको रखना है वो आप रख लीजिए, 6 डिजिट का होना चाहिए। पिन को सेट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। दोबारा से वही पिन आपको फिर से डालना है, फिर से आप पिन को डाल दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आपको डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद अपडेट कर दीजिए, और यहाँ पे आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और जो आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आया उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है, इसलिए मैं एंटर कर देता हूँ। चलिए देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी पैन डिटेल्स डालनी है, तो पैन नंबर आप अपना डाल दीजिए यहाँ पे, और नीचे की तरफ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो चलिए मैं पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे जेंडर आपका, आपका सैलरी कितनी है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, इसलिए मैं फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है, कितने साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें लिख दीजिए। योर फादर्स नेम आपके पैन कार्ड के हिसाब से पापा का नाम क्या है वो लिख दीजिए नीचे। ऑक्यूपेशन आप करते क्या हो, जो भी करते हो, स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन और मिल जाएंगे जहाँ से आप देख सकते हो कि, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप इंडिया में रहने वाले हो जो टैक्स पे करते हो, ठीक है। यहाँ पे यस करके नीचे की तरफ आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उन पर यस करने के बाद नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक कुमार, यहाँ पे अकाउंट ओपन हो गया है। इसके बाद हमें साइन भी करना है इस वाले बॉक्स में। सो आप अपने फिंगर से ही साइन कर सकते हो, और साइन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डिजी लॉकर के अकाउंट को लिंक करना है अपने अपस्टॉक से। सो उसमें पुष्ट करने की जरूरत नहीं होती, अपने आधार नंबर डालना होता है, और ओटीपी जो आपके आधार नंबर पे आता है वो ओटीपी डालना होता है, और आपका डिजी लॉकर अपस्टॉक्स के थ्रू लिंक हो जाता है। सो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड तरफ से ओटीपी आएगा, आधार नंबर वाला ओटीपी यहाँ पे डाल देना, और यहाँ पे नीचे की तरफ अलाउ पे क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो आपकी सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपका एक सेल्फी लेगा, तो सेल्फी आप अपनी क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपकी सेल्फी अच्छी नहीं आई तो दोबारा से भी आप सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है, जैसे बैंक होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो। और नीचे आप चूज कर सकते हो कि आपका बैंक सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। वो सब चीज़ें फिल करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप फ्री, आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के लिए। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लीजिए, और आप देख सकते हैं योर लिमिटेड प्लान ऑफर्स आर ऑन देयर वे, कांग्रेचुलेशंस। तो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ, मतलब फ्यूचर्स और करेंसी वगैरह में भी ट्रेड करना है, तो आप यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो, तो 3 नॉमिनी आप अपने इसमें अकाउंट में ऐड कर सकते हो, मैं बाद में ऐड करूंगा। यहाँ पे आपको ई साइन करना है अपने एप्लीकेशन आधार के थ्रू, ओटीपी आएगा आधार पे, एक बार फिर से प्रोसेस करना होगा आधार वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई साइन नाउ पे क्लिक करना है, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे आपको कंसेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करते रहना है, और यहाँ पे आप साइन कर पाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर आपको टिक करना है, और नीचे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, और आपके आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी मिल जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे दोबारा से डालना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, और आपका जो है ई साइन हो जाएगा फॉर्म।
जैसे आप देख सकते हैं साइन सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन के प्रोग्रेस अभी अंडर रिव्यू है, तो दो तीन स्टेप के बाद आपका जो है अपस्टॉक्स का अकाउंट खुल जाएगा। अभी रिव्यू के अंडर है, फिर अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस देखा आपने कितने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप अपने रेफरल लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वहां पे आपको एक कमीशन मिल जाएगा जब भी वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि करंटली अभी 300 रुपये चल रहा है, सो जब भी एक यूजर आपके मतलब लिंक से अपस्टॉक्स पे अपना अकाउंट बनाएगा तो आपको 300 रुपये मिलने वाले हैं, और अगर वो ट्रेड भी करता है अकाउंट बनाने के बाद तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, मतलब टोटल आपको 600 रुपये मिलने वाले हैं। सो अगर आपने 100 यूजर को भी ये अपना अकाउंट क्रिएट करवा दिया तो आपके 60,000 रुपये महीना हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि 15-20 तो आप बहुत ही आसानी से करवा लेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से। किसी को भी मतलब एक आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है और आप उनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो आसानी से 30-40 हज़ार रुपये महीना आप कमा सकते हैं सिर्फ कुछ ही लोगों को शेयर करके, मतलब 30-40 लोगों को अगर आप शेयर करते हैं तो आप 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ, साथ ही साथ अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन है तो वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। और ये रेफरल जो अमाउंट है ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 300 कभी 100 और कभी कभी आपको 800 रुपये भी मिल जाते हैं। अगर आपने एक यूज़र को साइनअप करवा दिया तो आपको 800 रुपये मिल जाते हैं, और अगर उसने ट्रेड भी कर लिया तो आपको एडिशनल 800 रुपये और मिलेंगे, मतलब टोटल 1600 रुपये मिल जाते हैं। सो काफ़ी अच्छा मौका होता है उस टाइम पे अर्निंग करने का। और अगर आपने 1600 अगर आपको मिल रहे हैं और उस टाइम पे अगर आपने 100 यूज़र को कन्वर्ट करवा लिया, मतलब साइनअप करवा लिया, तो आपको 1,60,000 रुपये महीने में मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी अर्निंग आप इससे कमा सकते हैं। हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ लिंक को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा, और जो ग्रुप में आप ज्वाइन है वहाँ पे भी आप शेयर करिएगा, उससे आपकी अर्निंग और भी ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइज ये था इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज आपको इस वाले चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।